अरविंद केजरीवाल को अनुराग ठाकुर ने जवाब दिया। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और बजट को लेकर के साफ साफ कहा था कि ऐसा पहली बार हुआ है जब बजट को केंद्र सरकार ने रोक दिया और ये वाकई शर्मनाक है। वैसे में अनुराग ठाकुर ने जवाब दिया है अरविंद केजरीवाल को और अपने गुनाहों को छिपाने के लिए, सत्य को छिपाने के लिए प्रधानमंत्री पर भी अनाप शनाप बयान कर दिया। मेरा सवाल है अरविंद केजरीवाल जी से, अगर आप इतने पढ़े लिखे हो तो भ्रष्टाचार में डूबे आपके मंत्री सत्येंद्र जैन जेल में पड़े 9 महीने से, आप उनको ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटते थे, भारत रत्न देने की बात करते हो, 9 महीने से जेल में सड़ रहे हैं। आपके उप मुख्यमंत्री शराब घोटाले में जेल में हैं, आप उनको ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते नहीं, थकते हो। आपके पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री 2 महीने के अंदर भ्रष्टाचार के चलते इस्तीफा देना पड़ा। आपके विधायकों से लेकर मंत्रियों तक अधिकतर का इस्तीफे हुए या गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन शराब घोटाले के मुख्य आरोपी तो जेल में गए, लेकिन किंग पिन अरविंद केजरीवाल जी, आप जितने मर्जी बेतुके बयान दीजिए, प्रधानमंत्री को बदनाम करने का काम कीजिए, अनपढ़ता आपकी नज़र आती है कि या आप ज़्यादा शातिर होने का प्रयास करते हैं कि शराब घोटाले से ध्यान भटकाकर बेतुकी बातों पर लेकर जाते हैं। आपको माफ़ी मांगनी चाहिए।